मेरे साथ पंगा नहीं लेने का, समझा? मैं पापा की परी हूँ। रावण के बहन की जानती हो क्या? हाँ जानती हूँ। तो क्या नाम था? सूर्पनखा। सूर्पनखा ने आज तक नहीं कहा कि मैं पापा की परी हूँ, जबकि वो आसमान में भी उड़ती थी। ए गांडू, मुझे सूर्पनखा के साथ कंपेयर मत करो। अरे हल्ला गुल्ला बंद करो, एक महीना गर्मी का छुट्टी क्या दे दिए? तुम लोग बिगड़ गए हो, शांत रहो, समझा? और सुनो, BFTS स्कूल में आप सभी का स्वागत है। मैडम, BFTS का फुल फॉर्म क्या होता है? हमसे बहुत लोग पूछ रहा था। तो सुनो, BFTS का फुल फॉर्म हुआ भोजपुरी फिल्म ताजा समाचार। अच्छा, तो आज का ताजा समाचार क्या है मैडम? आज का ताजा समाचार यही है कि तुम्हारे मौसी को हमारे मौसा लेके भाग गए हैं। पहले अपना उम्र तो देख लो, बूढ़ा हो गया और तीसरे क्लास में पढ़ रहे हो। अरे एकदम शांत रहो, समझा? अब किसी को सवाल पूछना है तो पूछो। अच्छा मैडम, इस सुहाग रात क्या होता है? बहुत लोग काम बोलते हुए सुने हैं। हे भगवान, अरे गधा, तेरा उम्र अभी ये सब जानने का नहीं है, काहे कि तू अभी बच्चा है, समझा बाबू? हम बच्चे कैसे हैं मैडम? अभी आपने सुना कि छोरी क्या बोल रही थी कि हम बूढ़ा हो गए, तो बताइए, हम जानना चाहते हैं कि सुहाग रात क्या होता है। अरे कुछ नहीं कुछ नहीं बाबू, सुहाग रात मतलब जिसका शादी हो जाता है वो उस दिन भगवान का पूजा करते हैं, ठीक है? अच्छा मैडम, शादी तो आपका भी हो गया, तो सुहाग रात को आप भी पूजा किए होंगे। अरे हाँ हाँ किए थे। कौन से भगवान का मैडम? अरे ये सब छोड़ो, पहले पढ़ाई पे ध्यान दो, ये सब जानना जरूरी नहीं है। हाँ तो अब हम लड़की लोग से पूछते हैं एक सवाल, तो बताओ वह कौन सा इंसान है जो गला भी काटता है और पैकेट भी काटता है लेकिन फिर भी उसको पुलिस नहीं पकड़ती? मैडम ये तो मुझे पता है, ये चोर होता है। नहीं जानती तो बक बक मत करो, समझी? सुनो बच्चों, दर्जी एक ऐसा आदमी है जो शर्ट बनाते समय उसका गला काटता है और पैकेट दोनों काटता है, तो बताओ उसको पुलिस पकड़ेगा? मैडम हाँ ठीक बोले। अब अगला सवाल तुम बताओ जी। हाँ मैडम पूछिए ना, हम तो तैयार हैं। तो बताओ ऐसा कौन सा चीज है जो पानी में रहता है लेकिन पानी नहीं पीता है? मछली। अरे उल्लू का पट्टा, मछली पानी नहीं पिएगा तो मर नहीं जाएगा? तब क्या होगा मैडम, आप ही बताइए तो। बच्चों इसका सही जवाब है नाव। नाव पानी में रहता है लेकिन पानी नहीं पीता, समझे आप लोग? अच्छा मैडम, आपकी कितनी बहन है? क्यों, बहन से शादी करना है क्या? नहीं ऐसे ही मन कर रहा था पूछने का, तो हम पूछ लिए। चुप करो। अच्छा सुने हैं तुम मिमिक्री भी करते हो, तो दो चार गो आज सुनाओ। तो सुनिए मैडम, जब मुर्गा मुर्गी में प्यार होता है तो कैसे बोलता है? अब सुनिए मैडम, जब आप होली में मुर्गा खाने के लिए लाते होंगे तो मुर्गा कटने समय ऐसे बोलता है। और अब मैडम, जब छोटा सा बच्चा पैदा होता है तब उस समय कैसे रोता है? और सुनिए मैडम, जब बकरा और बकरी में प्यार होता है तो कैसी आवाज आता है? मैं